subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी के बारे में। समुद्र तल से 675 फीट की ऊंचाई पर बसा कौसानी एक खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल है। विशाल हिमालय के अलावा यहां से नंदाकोट, त्रिशूल और नंदा देवी पर्वत का भव्य नजारा देखने को मिलता है। यह पर्वतीय शहर चीड़ के घने पेड़ों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से सोमेश्वर, गरुड़ और बैजनाथ कत्यूरी की सुंदर घाटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। काफी समय पहले कौसानी अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था और वलना के नाम से जाना जाता था। उस समय अल्मोड़ा जिला कत्यूरी के राजा बैचल देव के क्षेत्राधिकार में आता था। बाद में राजा ने इसका काफी बड़ा हिस्सा एक गुजराती ब्राह्मण श्री चंद्र तिवारी को दे दिया। महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वर्तमान में कौसानी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और हर साल यहाँ पूरे विश्व से सैलानी आते हैं। अब बात करते हैं कौसानी के आसपास के स्थल की। खूबसूरत पहाड़ियों और पर्वतों के अलावा कौसानी आश्रमों, मंदिरों और चाय के बगानों के लिए भी जाना जाता है। अनाशक्ति आश्रम यहाँ का एक प्रसिद्ध आश्रम है जहाँ महात्मा गांधी कुछ दिनों के लिए रुके थे। अब यह एक अध्ययन और शोध केंद्र के रूप में विकसित हो गया है जहाँ रहने और खाने की भी व्यवस्था है। एक और जाना माना आश्रम है लक्ष्मी आश्रम, इसे सरला आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम का निर्माण 1948 में महात्मा गांधी की एक अनुयायी कैथरीन हिलमन ने करवाया था। पिन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, रुद्रहरि महादेव मंदिर, कोट ब्राह्मणी मंदिर और बैजनाथ मंदिर कौसानी के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। समुद्र तल से 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिन्नाथ मंदिर हिंदू देवता भैरव को समर्पित है। शिव मंदिर सोमेश्वर शहर में पड़ता है जो कौसानी से 11 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद ने करवाया था। इसके अलावा कौसानी प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मभूमि भी है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसे सुमित्रा नंदन पंत गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें इस महान कवि की कविताओं की पांडुलिपि, विभिन्न कृतियाँ और उन्हें कुछ दिए गए पुरस्कारों का संग्रह है। संग्रहालय में हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उनके सम्मान में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौसानी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। ज़्यादातर पर्यटक अप्रैल से जून के बीच में कौसानी घूमने आते हैं क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौसानी आप कैसे पहुँचे। कौसानी बागेश्वर जिले के अल्मोड़ा से 52 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दिल्ली के आनंद विहार ISBT से अल्मोड़ा और काठगोदाम के लिए बस मिल जाती है। यहाँ पहुँचने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग दिल्ली हापुड़ मुरादाबाद रामनगर रानीखेत कौसानी और दूसरा मार्ग है दिल्ली हापुड़ मुरादाबाद रामनगर हल्द्वानी काठगोदाम भीमताल भोवाली खैरना अल्मोड़ा और फिर कौसानी। नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है और नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर में है। दोनों ही स्थानों में कौसानी के लिए टैक्सी मिल जाती है।